मध्य प्रदेश के बड़वानी में CAA, NRC और NPR के विरोध में भव्य रैली और धरना प्रदर्शन किया गया। योगेंद्र यादव, हर्ष मंदर के साथ जागृत आदिवासी महिला संगठन की माधुरी बहन भी शामिल हुई। मुस्लिम समाज सहित दलित और आदिवासी समाज के लोगों की बड़ी संख्या में शामिल हुए। कई चुनाव जीत चुके हैं, एक चुनाव हार रहे हैं तो इतना घबरा क्यों रहे? साथ ही कहा कि अमित शाह जिसके लिए भारत माता बड़े बड़े नारे लगाते हैं, उस भारत माता के दर्शन उन्हें शाहीन बाग में हो जाएंगे। बड़वानी CAA के विरोध में जिला मुख्यालय पर रैली निकाली गई। रैली में जहां योगेंद्र यादव और हर्ष मंदर, मुस्लिम समाज, आदिवासी, दलित समाज सहित कई सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए। स्थानीय कृषि उपज मंडी में रैली के रूप में निकले लोग झंडा चौक पर एकत्रित हुए, जहाँ पर आम सभा आयोजित की गई। वहीं सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अमित शाह के बयान EVM को इतनी जोर से दबाए कि करंट शाहीन बाग में लगे पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री इतने घबराए हुए क्यों हैं? कई चुनाव जीत चुके हैं, एक चुनाव हार रहे हैं तो इतना घबरा क्यों रहे? वहीं उन्होंने कहा कि मैं उन महिलाओं की तरफ से अमित शाह को शाहीन बाग में आमंत्रित करता हूँ। वो भारत में जिसके बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, उस भारत माँ के दर्शन होने चाहिए। तिरंगे की बात सुनेंगे, देश में आज़ादी की बात सुनेंगे। उनकी पार्टी के लोग देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने का मौका नहीं मिला, अब ले ले तो वो कमी दूर हो जाएगी। बड़वानी से अतुल कमाऊत की रिपोर्ट। बाकायदा संसद में पास हो चुका है, लेकिन हमारा संविधान दो चीज़ों की इजाज़त देता है। पहला, यदि संसद कोई ऐसा कानून पारित करे जो संविधान के विरुद्ध हो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको खारिज कर सकते हैं। दूसरा, इस देश का जनमत यदि संसद को बताए, सड़क से अगर ऊंची आवाज़ जाए तो संसद दोबारा उस पर विचार कर सकती है, संशोधित कानून को दोबारा संशोधित कर सकती है। और तीसरा, अंततः यदि जनता को लगे कि संविधान को रौंदा जा रहा है तो अंततः हम भारत के लोग जिन्होंने ये संविधान दिया था उन्हें इस संविधान की रक्षा के लिए खड़ा होना होगा। योगेंद्र जी, अमित शाह का बयान है शाहीन बाग को लेकर, मैं कहना है कि EVM के बटन इतनी जोर से दबाइए कि शाहीन बाग को विधानसभा में चुनाव। मुझे लगा हमारे देश के गृह मंत्री इतना घबराए हुए हैं, कई चुनाव जीत चुके, एक चुनाव हार रहे हो तो इतना क्यों घबरा रहे हो? और देश की महिलाओं से इस तरह से घबरा रहे हैं? बिल्कुल, आप, मैं शाहीन बाग का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उन महिलाओं की तरफ से, मुझे विश्वास है उनका दिल इतना बड़ा है, मैं अमित शाह जी को आमंत्रित करता हूँ। आजकल तो सर्दी थोड़ी कम हो गई है दिल्ली में, एक रात तो वहाँ पर बिताएं, बैठें, सुने भारत माँ के बारे में क्या सुंदर बातें कही जा रही हैं। भारत माँ जिसकी वो बड़े नारे लगाया करते हैं, उस भारत माँ के दर्शन उनको वहाँ शाहीन बाग में हो जाएंगे। तिरंगे की बात सुनेंगे, देश की आज़ादी की बात सुनेंगे। उनकी पार्टी के लोगों को देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाया था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।